हेलो स्टूडेंट, वेलकम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर फिक्शन नंबर टू, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। लेट्स स्टार्ट। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशियंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडियस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेन रिप फ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नी। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस। सो स्टूडेंट्स, स्मैश्ड मीन्स ब्रैडली ब्रोकन। एंड नाउ कील मीन्स स्टील स्ट्रक्चर along a bass of the ship. In the paragraph, the writer want to say us that the water level was under control by the morning of January 3. So all of them took 2 hours rest in rotation. But there still was a leak somewhere below the water level, waterline. Upon checking, the boat's rib structure was badly broken down till the base of the ship. यानी कि इस पैराग्राफ के अंदर राइटर हमें ये कहना चाहता है कि वाटर लेवल 3 जनवरी के आसपास इनके कंट्रोल में आ गया था और इन्होंने रोटेशन के अनुसार क्या करना शुरू कर दिया, रेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी एक जगह से कहीं से जहाँ लीक हो रहा था वहाँ से वाटर कंटिन्यूस अंदर आ रहा था। चेकिंग करने पर उन्हें पता चला बोट ट्रिप पर जो स्ट्रक्चर है वो बैडली तरीके से ब्रोकन हो चुका है और जो हॉल सेक्शन स्टारबोर्ड वॉज हॉल्ड टुगेदर विद अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस। ठीक है ना, कुछ पार्टीशंस रखे हुए। नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। आई चेक आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands अ फ्यू 100 kilometers टू द ईस्ट। वन ऑफ देम इले एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वेस्ट ओशियन। पिन प्रिक्स मीन्स अ प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन। पिन प्रिक्स इन वेस्ट ओशियन, दिस द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज टू स्मॉल आइलैंड्स इन द वास्ट ओशियन वेयर वेरी टाइनी लाइक अ प्रिक कॉज्ड बाय अ पिन। क्लियर। बट अनलेस द विंड एंड सी एबटेड सो दैट अपटेट मीन्स समथिंग अनप्लीजेंट टू बिकम लेस इंटेंस। अपटेट मीन्स समथिंग अनप्लीजेंट टू बिकम लेस इंटेंस। सो वी कुड होस्ट सेल, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड। द ग्रेट वेव वुड हैव पुट आवर एक्सिलरीज इंजन आउट ऑफ एक्शन। एक्सिलरीज इंजन मीन्स हियर एक्सिलरीज इंजन मीन्स स्मॉल सेकेंडरी इंजन यूज टू बोर्ड शिप्स टू ऑपरेट अ विंड लॉस ऑफ द शिप। इन द पैराग्राफ द नरेटर वॉन्ट टू से अस दैट द होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड वॉज हेल्ड टूगेदर विद अ फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशन। द शिप्स कंडीशन वॉज सो बैड दैट इट वुड नॉट मेक इट टिल ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कंडीशन वेव वॉकर की खराब हो गई, ऑस्ट्रेलिया तक नहीं जा सकती थी। इन द नेक्स्ट लाइन द नरेटर चेक्ड द चार्ट एंड द कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 small islands इन फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द ईस्ट। वन ऑफ देम वॉज इल एम्स्टर्डम विच वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। देयर ओनली होप वॉज टू सर्च एंड रीच दैट आइलैंड बट ओनली द विंड एंड द सी डू नॉट कॉज फर्दर डैमेज एल्स देयर चांसेज वर स्लिम। द वेव हैड डिस्ट्रॉयड द शिप्स एक्सिलरी इंजन। हियर इस पैराग्राफ के अंदर राइटर हमें यह कहना चाह रहा है कि उनकी जो शिप थी बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। नेक्स्ट, वो ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पहुंच पा रहे थे। अब उन्होंने सोचा कि आसपास कुछ हो, तो उन्होंने राइटर ने कैलकुलेशन किया तो पास में उन्होंने देखा कुछ ही किलोमीटर पर 2 आइलैंड है छोटे छोटे से, उसमें से एक इले एम्स्टर्डम जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है। उनकी एक छोटी सी होप थी कि वहाँ कैसे न कैसे पहुँच जाए, लेकिन वह ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे थे, यही होप कर रहे थे कि नेक्स्ट वेव आकर उनसे टकराए नहीं, वरना क्या हो जाएगा, वो
उनकी बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, कंडीशंस ख़राब हो जाएगी उनकी, नाव जो उनकी बोट थी वह डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन जनवरी 4 आफ्टर 36 ऑफ द कंटिन्यूस पंपिंग वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, वी कुडंट नॉट सेट ऑल सेल ऑन द मेन मास्ट, प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज्ड सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट, सो वी होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिप एंड हीडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर, मेरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैक बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. इन द पैराग्राफ द राइटर सेज दैट आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग ऑन जनवरी 4 द वाटर वॉज ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स लेफ्ट टू बी पम्प्ड आउट, बहुत ही कम पानी बच गया था उनके पास में। इन द नेक्स्ट लाइन द राइटर सेज दैट बट दे स्टिल हैड टू पम्प आउट द वाटर वॉज कमिंग इन, दे कुड नॉट सेट सेल ऑन द मेन मास्ट, दे होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिप एंड सेल टूवर्ड्स द टू स्मॉल आइलैंड, उन्होंने डायरेक्शन ले लिया कि हमें इस डायरेक्शन में जाना, टू स्मॉल आइलैंड उसको उनको मिल जाए। दे हैड देयर फर्स्ट मील, 2 दिन बाद उन्होंने कुछ खाने को मिला, कॉर्न बीफ और एक क्रैकर बिस्किट थोड़े बहुत मिले, बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 14 knots एंड द सी वर गेटिंग हायर, द वेदर कंटिन्यूड टू डेटोरिएट थ्रू आउट द नाइट एंड बाई डॉन ऑन जनवरी 5 आवर सिचुएशन वॉज बिगेन टू डेस्परेट। नाउ Rigging means the rope and the wire supporting the structure of the ship. Hull means the framework of the vessel. Respite means the short period of rest. And deteriorate means get worse. Clear? In the paragraph, the writer says that the rest period was short-lived as black clouds built up around 4 o'clock. The wind was now 40 knots and the sea was getting higher. The weather got worse and by the early morning on January 5, the situation was bad. Means कहने का मतलब ये हुआ कि राइटर ने ये कहा है कि 4 जनवरी के अंदर 4 बजे, उससे पहले 4 बजे के आसपास वो मौसम बिगड़ना शुरू हुआ, 4 जनवरी की बात थी, और 5 जनवरी तक तो conditions और ज़्यादा खराब हो गई। क्लियर? नेक्स्ट पैराग्राफ, व्हेन आई वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, आई ट्राइड टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट बट डैडी ही वेंट ऑन वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू मम्मी सू एंड आई। इन द पैराग्राफ राइट द राइटर्स चाइल्ड जॉन कंसोल हिम, when the narrator went to comfort his children, his son asked him whether they are going to die. He tried to assure him that they would make it. The son replied that they were not afraid of die till they all are together. यहाँ पर राइटर का सन भी उसे कंसोल करने की कोशिश कर रहा है, उसे मोटिवेट कर रहा है राइटर को कि हम डूबेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स with which to respond, but I left the children's cabin determined to find the sea with everything I had to protect the weakened starboard side. I decided to heave with the undamaged part hull, facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon drop and 222 liter plastic barrels of paraffin. In this paragraph, writer says that this filled the narrator with determination to fight back. He made efforts to protect the weakened starboard side. He used an improvised sea anchor made of heavy nylon rope and 222 liter plastic barrels of kerosene. यहाँ पर ये बातें सुनकर जॉनथन की बात सुनकर राइटर अंदर से मोटिवेट हुआ
और उसने डिसाइड कर लिया कि वह क्या करेगा, इसको बना के रहेगा और यहाँ से निकल के रहेगा। तो उसने जो डैमेज पार्ट था उसको क्लियर किया, उसको साफ़ किया, उसको क्लीन किया, उसको रिपेयर किया, यहाँ तक कि जो उसकी एंकर थी उसको भी इसने क्लीन करके उसको क्या किया, रिपेयर किया। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बॉट फेल्ट द एंड वॉज नियर। ऑन दैट सेम इवनिंग राइटर सेज दिस इन पैराग्राफ, दैट सेम इवनिंग द नरेटर एंड हिज वाइफ सैट होल्डिंग हैंड्स एंड दे बिलीव्ड दैट देयर एंड वॉज नियर। उन्हें लग गया था कि उनका अंतिम समय नज़दीक आने वाला है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 विद द विंड ईजिंग आई ट्राई टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट विथ ग्रेजुएटेड आर्क ऑफ 60 डिग्रीज फॉर टेकिंग अल्टीट्यूड्स एंड नेविगेशन। बैक टू द चार्ट रूम आई वर्क ऑन द विंड स्पीड चेंजेस ऑफ कोर्स ड्रिफ्ट एंड करंट एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। इन द पैराग्राफ राइटर सेज दैट द शिप मेड इट थ्रू द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ 6 द नरेटर ट्राइड टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। He worked with wind speeds, drift and current and calculated their position. They were in 150,000 kilometers area of the ocean looking for 65 kilometer wide island. इतने छोटे से बहुत बड़े ओशन के अंदर एक छोटे से आइलैंड को ढूंढ रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट पैराग्राफ। वाइल आई वॉज थिंकिंग सू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन एंड her blackened eyes narrowed as slits. She gave me a card she had made. In the paragraph, writer says that while the narrator was still thinking, his daughter Sue joined him and she was in pain. The left side of her head was swollen and her blackened eyes had narrowed down the slits. She gave him a card which she had made himself. यहाँ पर राइटर ये कहता है कि अब उस कुछ देर बाद में उसकी डॉटर से ज्वाइन हो गई और उसके लिए कार्ड बना के लेकर आई जिससे उसने उस राइटर को दिया ताकि वो मोटिवेट कर सके। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कैरिकेचर्स मीन्स पिक्चर ऑफ पर्सन। हियर कैरिकेचर्स मीन्स पिक्चर ऑफ अ पर्सन, कार्टून वी कैन से। On the front, she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh? I laughed a lot as well." Inside was a message, "Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow, we had to make it." In the paragraph, writer says that on the front of the card was a cartoon. Sue gave the writer a card which she had made herself. In the card there was a cartoon image of her parents with words written them about them being funny people and how they made her laugh. On the inside the card she told them how she loved both and she thanked them. This made the narrator realize that they had to make it टू द आइलैंड। यहाँ पर सू उसे बताती है कि किस तरीके से वह उसे लव करती है, मतलब मोटिवेट कर रही है, कुल मिलाकर उसे मोटिवेशन दे रही राइटर को कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean. The narrator says that here the narrator rechecked his calculation. They lost their main compass and were using the spare
वन विच वॉज नॉट करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। यहाँ पर वह एक उसका जो मेन कंपास था खो चुका था, एक जो सप्लीमेंट जो कंपास था जिसमें मैग्नेट पूरी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था उसको यूज़ कर था। फर्दर ही सेज दैट ही एस्टिमेटेड द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के जो करंट बह रही थी, हवाएं जो बह रही थी, उसके अनुसार वह देखना चाह रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन द डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री। इफ वी वर लकी आई टोल्ड विद ए कन्विक्शन आई डिड इट फील आई कुड एक्सेप्ट टू सी द आईलैंड एट अबाउट 5 PM। हियर राइटर सेज दैट अराउंड 2 PM ही वेंट ऑन डेक एंड आस्क लैरी टू स्टीर द व्हील टू 185 डिग्री। उसने लैरी को कहा कि अपनी व्हील को 185 डिग्री पे घुमा लो। उसने एहसास किया अगर हम लकी रहे तो शाम को 5 बजे तक हमें क्या एक आइलैंड मिल जाएगा। देन ए हैवी हार्ट ही आई वेंट बिलो क्लाइंब्ड ऑन माय बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ। व्हेन आई वॉक अप इट वाज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट We couldn't hope to beat back into the westerly winds at moment as tousled had appeared by bunk. Tousled had means disarranged hair of the narrator's son John. Bunk, can I have a hug? Jonathan asked Sue was right behind him. In this line, the writer says that after giving the instructions, he went down below and slept there. He woke up around 6 PM and it was dark outside. He thought that they might have missed the island. He started worrying about how they would tackle the westerly wind more as the ship wasn't capable to sail more. His son came and asked him for a hug. His daughter followed. यहाँ पर वह सो गया था। ये सब इन्फॉर्मेशन उसने देने के बाद में गाइड करने के बाद में नीचे चाय के सो गया वो। और जब वह 6 o'clock उठा तो उसे ऐसा लगा अंधेरा हो चुका है और उसे लगा कि वह शायद उस आइलैंड को मिस कर दिया। लेकिन उसी समय उसका सन आता है और उसे गले लगाता है और वह उसके पीछे उसकी डॉटर आती है। Why am I getting a hug now? I ask. Because you are the best daddy in the world. And the best captain, my son replied. Not today, John. I am afraid. Why you have must be, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. What? I shouted. It is out there in front of us. These coursed. They coursed. Coursed means ek saath bolna, to speak all together. Bleak means an area of land lacking vegetation. As big as a battleship, I rushed on the deck and gazed with relief at the stark outline of Ile Amsterdam. I was only a bleak piece of volcanic rock. It was only a bleak piece of volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. In these lines, the writer want to say us that he asked that why was he getting a hug. His son replied that he was the best daddy in the world and also called him the best captain. The narrator replied that he was afraid. Sue told him that they had found the island which was as big as a battleship. The narrator rose to the deck and gave a sigh of relief. They could see the complete outline of Ile Amsterdam. There was a bleak piece of volcanic rock in front of him. It had a little vegetation. It was the most beautiful island in the world. राइटर ने जब जोनाथन अपने बेटे से पूछा कि मुझे हक क्यों मिल रही, तो उसने कहा कि आप बेस्ट डैडी बेस्ट कैप्टन है। सू ने उसे जानकारी दी, ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसने आइलैंड को ढूंढ लिया है। तो ये बात को जानने के लिए वो बाहर गया। उसने बाहर जाके देखा तो मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड मिला उसे, ठीक है ना, क्योंकि ब्यूटीफुल तो था ही। इसी के साथ साथ ही तो वह आगे बढ़ पाया क्योंकि उसके लिए ज़मीन उसके पैरों के नीचे थी। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द
for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. In the line, they moored the ship at some distance of the shore, and next morning 28 inhabitants of the Amsterdam Island helped them to move on the shore of the island. ये नेक्स्ट कुछ दिन उन्होंने रात को रुका, अगले दिन 28 इनहेबिटेंट्स आए उसकी हेल्प किया. विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बीज चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्शन स्ट्रेस एंड टू ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर दोज क्रूशियल आवर्स. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ द 7 ईयर ओल्ड गर्ल हु डिड नॉट वेंट us to worry about the head injury, which subsequently took 6 minor operations to remove the recurring blood clot between skin and the skull, and of a 6-year-old who was not afraid to die. In the paragraph, writer says that as he felt the land again in his feet, he thought of his crewman and his wife. He also thought of his 7-year-old daughter who was injured badly. She had to go through 6 minor operations to remove the blood clot of her head. His son, who never gave up and was not afraid to die. इस paragraph में writer thanks करता है कि उसे अब वापस उसके पैरों के नीचे ज़मीन है, अपने क्रूमैन को लैरी और हैबी को, अपनी वाइफ जिसने बहुत ही क्रूशियल टाइम में उस नाव को, उस व्हील को, स्टीयरिंग व्हील को होल्डिंग करा. फिर सबसे ज़्यादा उसने थैंक्स करा अपनी डॉटर को जिसके हेड पे स्वेलिंग आ गई थी, बाद में उसे 6 माइनर ऑपरेशन से गुजरना पड़ा, और सबसे ज़्यादा उसका 6-year-old सन जिसने ये कहा कि भाई किसी से नहीं डरता है, अगर हम मरने से नहीं डरता, अगर हम सब साथ में रहेंगे. तो दैट्स ऑल द चैप्टर स्टूडेंट्स. आई होप you have understood about the chapter. Go through the video again and again, share that video with your friends so that they will get the good benefits of it. So students, we will meet in the next video, in the next chapter. Thank you and good day and goodbye.